हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहला कैसे आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंडी नौनी में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के हो गया है, 7:30 से ऊपर टाइम हो गया, 8 बजने वाले हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मार्केट, अपने बाज़ार की तरफ। मुझे कुछ काम है, क्योंकि गाँव में शादी वादी है ना, तो मुझे भी कुछ काम है मार्केट में, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आज मार्केट। हमारा मार्केट है तिलवाड़ा। तो चलिए आपको आज पैदल ले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी से तो जाना लगा ही रहता है हमारा, और बहुत टाइम से हो गया था कि मैं पैदल नहीं गई थी अपने रास्ते से। तो आज मैं पैदल के रास्ते से जा रही हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ हमारा पैदल के रास्ते के सुंदर सुंदर दृश्य। तो यहाँ से तो रोड है अभी आगे तक, उसके बाद हमारा पैदल रास्ता लगता है। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ से सड़क ख़त्म हो गई है, और ये हमारा पीछे जो आप दिख रहा है, ये हमारा पैदल रास्ता। तो यहाँ से पैदल जाना, अब लोग बहुत कम जाते हैं पैदल के रास्ते, तो लोग भी नहीं मिलते हैं रास्ते में। मतलब पहले ऐसे था कि जब भी जाओ कोई ना कोई आता जाता रहता ही था रास्ते में, तो रास्ता थोड़ा मतलब कि मैं थोड़ा सा चहल पहल रहती थी लोगों की वजह से। अब तो कोई आता जाता ही नहीं, कोई लोग हैं जो खेत खलिहान में जाते हैं अपने, तो वही लोग जाते आते हैं यहाँ से अब। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं अपने पैदल के रास्ते नहीं गए हैं, तो आज हम पैदल के रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू हो गया हमारा पैदल का रास्ता, और सामने आपको जो गांव दिख रहे हैं, छोटे छोटे से गांव आपको दिख रहे होंगे, ये कांडा, पिनगड़ी, घेंगड़खाल, हरियाली, ये गांव दिखते हैं हमारे यहाँ सामने गांव से। तो ये देखिए, यहाँ हमारे गांव के मतलब यहाँ से हमारे गांव के खेत शुरू हो जाते हैं यहाँ नीचे से। यहाँ से यहाँ का जो रास्ता जाता है वहाँ के लिए बोलते दुमदार, और यहाँ जो रास्ता जाता है वहाँ के लिए, वहाँ के बहुत सारे खेत अलग अलग, कहीं नीमूगेर बोलते हैं, कहीं फिंचा बोलते हैं। हाँ देखिए, रास्ता एकदम सुनसान है, कोई नहीं है रास्ते में। इतने से चलने में ही थकान लग गई है, मतलब कि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं ना, और फिर ऐसे अकेले भी जा रही हूँ, नहीं तो दोस्तों के साथ रास्ते का पता ही नहीं चलता है, और अकेले अकेले में तो रास्ता बहुत बड़ा लग रहा है। अभी तो मैं घर से कुछ ही दूरी पे आई हूँ, और रास्ते में कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे इस वजह से, और ये सुनसान लग रहा है रास्ता। और दोस्तों, आपने मेरे हाथ में मेहंदी नहीं देखी, आपने पूछा ही नहीं कि मेहंदी क्यों लगाई है। तो देखिए, मैंने मेहंदी लगाई है, बिंदी से लगाई है मेरी मेहंदी, बहुत ही इजी तरीके से 2 मिनट में मेहंदी लग गई थी मेरी। अरे देखिए, मेरा ब्रेसलेट भी बना रखा अपने लिए एक, मैंने कहा चूड़ी नहीं होंगी पहनने के लिए, तो इससे काम चला लूँगी अपना। तो मेहंदी क्यों लगा रखी है वो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा मेरी। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे खेत हैं, यहाँ के लिए बोलते हैं चिल्कनी, और यहाँ पे हमारे खेत भी, और रास्ते में देखिए पूरा ये चीड़ के वो गिर रखे हैं, जिसको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ अभी धूप नहीं पड़ती है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गहरे पे है, तो यहाँ अभी अंधेरा जैसे ऐसा लग रहा कि सुबह के 4-5 बजे ही मैं यहाँ तिलवाड़ा के लिए रास्ता लग गई हूँ। और सामने आपको दिख रहा होगा, ये हमारा तिलवाड़ा मार्केट है, तिलवाड़ा के सौड़ है, और सामने वो सुमाड़ी है। और दोस्तों, मैं करती हूँ पैदल जाऊँगी, पैदल आऊँगी, पर जब पैदल आ जाकर भी तबीयत ख़राब होती है ना, हाथ पांव में इतना दर्द होता है, पर फिर भी मतलब मैं ऐसे होता है ना, लोग जिद ऐसी चीज़ों की करते हैं कि मतलब जिनसे उनको फ़ायदा होता है, और मैं अपनी जिद ऐसे करती हूँ जिससे मुझे नुकसान ही होता है। मतलब ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या, बिना अकेले अकेले तो ये रास्ता भी ऐसे लग रहा है, पता नहीं जैसे पता नहीं केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रही होंगी मैं। हो गया मेरे छी, कोई भी नहीं आ रहा आगे पीछे, कोई नहीं है, दिख ही नहीं रहा आदमी यहाँ खेत ही, आज लोग खेत भी नहीं आ रखे, क्योंकि खेत भी इसलिए नहीं आ रखे ना, क्योंकि इस दो गांव में मतलब चौकी में भी एक शादी है और बरसिल में भी शादी है, तो मेहंदी है दोनों जगह, सब लोग अपने घर में काम पे ही लगे हुए, अपने मतलब कि होता ना आजकल और चीज़ें कम है और अपनी 100 ज़्यादा है, तो सब अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए। और दोस्तों, अभी मैं आधे के आधे रास्ते भी नहीं पहुँची हूँ, और मैंने इतने पे ही आधा घंटा लगा दिया है, खिले बोल मैं पैदल छी जा दे पैदल होड़ जाएगी मैं पैदल जाऊँ, और ये क्यों लड़गा ना मैं ये पिल्टू माँ, ये क्यों टूटी मेरा दांत। दादी प्रणाम। हाँ दादी, घास गाना दादी, यो खुली आया तुम हो नहीं है कोई। अच्छा,
दोस्तों यहाँ पे के लिए बोलते हैं लाटा मोल। यहाँ पे मोल का पेड़ है, मोल आपको पता ही होगा, इस पर खाने के लिए मोल भी होते हैं। मोल का पेड़ बहुत पुराना है, मतलब हम छोटे बचपन से देखते आ रहे हैं इसको। यहाँ पे एक पत्थर है और इसकी पूजा करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे भूत प्रेत वाला सीन भी होता है, पर हम तो हमेशा अपने दिल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ कभी भी। तो यहाँ पे मतलब ऐसे कि जो ऐसे होता है ना, थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हीं को खींचता है यहाँ। और दोस्तों मैं मतलब कुछ ही टाइम पहले, एक डेढ़ साल पहले तक यहाँ तक पूरे जो है चौकी वालों के खेत रहते थे यहाँ नीचे, मतलब तिलवाड़ा के ठीक ऊपर पे ही खेत रहते थे। लेकिन अब लोगों ने यहाँ भी मतलब बंजर कर दिया, मतलब यहाँ के खेत भी नहीं करते हैं लोग अब। तो इतनी दूर तक लोग घास के लिए तो आते ही हैं, अभी भी घास लेने तो आते ही हैं। और दोस्तों यहाँ पड़ा हुआ चीड़, चीड़ के पत्ते ही पत्ते भाई, यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसे सैंडल सुंडल पहनने के लिए नहीं है। और दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे में, ये है मेरा पूरा तिलवाड़ा बाज़ार, ये आपको दिख रहा है इधर से लेके पूरा ये सुमाड़ी बाज़ार भी दिख रहा है साथ में। और मैं पहुँचने वाली हूँ अब तिलवाड़ा, थोड़ा ही रह गया है अब। ये गीड़ गांव दिख रहा है मेरे पीछे, तो चलिए चलते हैं तिलवाड़ा की ओर। यहाँ से दिख रहा है थोड़ा ढंग से हमारा बाज़ार। तो यहाँ के गेहूँ देखिए भाई, हमारे गांव के गेहूँ देखिए और यहाँ के गेहूँ देखिए, इतने मोटे मोटे बालियाँ हैं यहाँ गेहूँ की। हेलो, पानी का कैप बना दो, पानी आ गया। और दोस्तों मैं तिलवाड़ा से बहुत ऊपर आ गई हूँ अभी, मेरे पैदल चलने की एक्साइटमेंट में बोतल पानी लाना ही भूल गई, खाली बोतल रखी हुई यहाँ, इतनी प्यास लग गई। वो तो अच्छा है कि हमारे गांव को मतलब ये रास्ता है ना जो, इसमें पाइपलाइन लगी हुई है और उनमें बीच बीच में कहीं पे ना कट लगे हुए हैं, उसमें से पानी आता है। भगवान से उम्मीद करो या प्लीज़ प्रे करो कि उनमें से पानी निकल रहा हो ताकि मैं बोतल भर पाऊँ, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊँगी भाई। बोतल मैंने भर दिया है बड़ी मुश्किल पर। हाँ सांस फूल रहे दोस्तों, और मतलब इतनी धूप हो रही है ना आपको दिख रही हुई, इसलिए मैंने सर में अपना मफलर रख दिया है वही। आपके गांव से हमारा मतलब तिलवाड़ा से हमारे गांव में चढ़ाई लगभग 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो आप अगर आपका गांव भी पैदल पड़ता है ना, तो आप कमेंट में बताना कि आपके गांव से कितना मतलब मार्केट कितना दूर है, आप पैदल जाते हो या गाड़ी से जाते हो, और आपका मार्केट कहाँ है, ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा छाया है इसलिए मैं भी बैठूंगी, गांव के नीचे इतनी आग लग रही है, ये माइकों तो सुबह जी आड़े फूक गया हूँ मैं पूरा पलक मसाले में कुछ, ये मेरा गांव में कभी नहीं आनी पैदा है, रहनी पड़ी मैं आज ये पानी क्यों ना मैं। ये कुछ को रंग मैं घाल दूँगी, कैसा जमाना आ गया है। खुद तो हम 10-20 रुपए की साबुन से नहा रहे हैं और ये देखिए कुत्ते के लिए हम 100-100 रुपए की साबुनें ले जाते हैं, मतलब खत्म पे ही ख़त्म हो जाती है ये भाई। खुद हम यहाँ 10 रुपए के साबुन से नहा रहे, कुत्ते यहाँ 100 रुपए के साबुन से नहा रहे, 400 रुपए के शैम्पू से नहा रहे हैं, क्या जमाना आ गया है यार। और दोस्तों आप देख सकते हैं तिलवाड़ा कहाँ रह गया और मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। अब घाट जाने के लिए लगभग मेरे को 1 किलोमीटर रह गया है, तिलवाड़ा कहीं का कहीं छूट गया और कहाँ से आ गई हूँ मैं इतनी ऊपर। तो मतलब आज अभी तक उतनी थकान नहीं लगी क्योंकि ना सामान था मेरे पास ऐसा कुछ खास,
और मतलब अकेला के लिए ना बैठ ही जाता ना कुछ, सीधे लगी रहे घर के लिए रास्ते। दोबारा मैं बिना दुगुबी कते नहीं जाने दे, बड़ा हूँ पैदल पित्या का सम रहनी पड़ी आज, मैं तो बिना दुगुबी कभी ना वाया छाया यो। और दोस्तों अब मैं पहुँच गई हूँ घर पे। हाय घर पे देखिए क्या ठंडी हवा चल रही है, अलग ही हवा है हमारे गाँव में तो अलग ही। तो अब सीधे आपको शाम को मिलूँगी भाई, अभी मेरे को बहुत काम है, सीधे शाम को मिलते हैं आपसे।